Hi everyone, my name is Dr. Prince Pralhad Tripathi. I have done my master in cardio-respiratory sciences. I am a physiotherapist. आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बारे में, वो भी चेस्ट पेन के लिए. चेस्ट पेन क्या है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम साथ में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं कुल टोटल आज आपको चार एक्सरसाइज बताने वाला हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से. पहली एक्सरसाइज जो है वो है DBE और PLB. अब इनकी फुल फॉर्म क्या है? DBE मतलब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और PLB मतलब पर्स्ड लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. अब ये क्या है? ये एक्सरसाइज जो है ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज के टाइप है. अब ये क्यों ज़रूरी है? जब भी हमें चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होने के साथ ही हमारी जो मांसपेशियां होती है वो पेन की वजह से हम प्रॉपरली बीत नहीं कर पाते हैं. हम क्या करते हैं, हम नहीं करके हमारा ब्रेन यहाँ पर रिएक्ट करता है और हमारे को दर्द होने की वजह से वो श्वास को रोकने का या श्वास को कम कर देता है. रोकना मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं लेने देता. तो इसी वजह से हमारे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ऐसे टाइम पे आपको ड्रॉजीनेस फील होगा, चक्कर भी आ सकते हैं. ड्रॉजीनेस का मतलब चक्कर आके सर घूमना, और आप जैसे ही खड़े होंगे आपको ब्लैकआउट होगा, मतलब अंधेरा आपकी आंखों के सामने आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. देखिएगा किस तरीके से करते हैं. आपको सिंपली बैठ जाना है, अपना पोस्चर करेक्ट करना है और नाक से लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह से लंबा गहरा छोड़ना है. अब करने का तरीका पहले मैं आपको 5 बार करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर वे में सिखाऊंगा. देखिएगा, ये हुई डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस 1. अब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने का दूसरा तरीका है मुंह से ही लेना और मुंह से ही छोड़ना. ये हमें कब करना रहता है? जब हमारा नाक बंद हो, जुखाम हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो आप मुंह से ही सांस लें और मुंह से ही छोड़ें. अगर आपका नाक बंद नहीं है और आपको सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, तो आप पहला टाइप कर सकते हैं. देखिएगा, दोबारा मैं आपको दोनों टाइप से सिखाता हूँ. पहले नाक से लेके मुंह से छोड़ेंगे. ओके, अब हम देखते हैं डीप ब्रीथिंग का दूसरा टाइप. कैसे? मुंह से लेना है, मुंह से छोड़ना है. ओके, अभी आपने देखा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हमने किस तरीके से करी. अब हम देखेंगे डीप ब्रीथिंग में पहले नंबर की एक्सरसाइज में ही दूसरे नंबर का पॉइंट जो है PLB, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. कैसे करना है? पर्स्ड लिप का मतलब है आपको इमेजिन करना है कि सामने एक मोमबत्ती रखी है और उसको आपने मुंह से फूंक के बुझाना है. कैसे करेंगे देखिएगा, सांस लीजिए. देख पाए आप? दोबारा देखिएगा, मैं 5 बार करके दिखाता हूं. अब हम देखेंगे हमारी दूसरे नंबर की एक्सरसाइज. आपको एक छोटा सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है दूसरे नंबर की एक्सरसाइज में, वो है एक्टिव साइकिल. ठीक है, SEBT, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक. ये हमें प्रॉपरली आगे जाके हमें इसको फील करा रहा हूँ मैं आपको कैसे तरीके से करना है. आप फील करते जाइए और एक्सरसाइज करते जाइए. ये क्यों ज़रूरी है एक्टिव साइकिल? इसके अंदर हम श्वास लेते हैं और हमारे शरीर में जो हमारे को सांस करने में मदद करने वाले जॉइंट है उनको हम मोबाइल करते हैं. मोबाइल करने का मतलब उनको मोबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उनको हिलाते हैं जिससे वो हमारी सांस और फेफड़ों को प्रॉपर खुलने की जगह प्रदान करें. अभी क्या होता है, हम सीधे बैठे हैं, हमारे शोल्डर नीचे है तो रिब केज दब जाता है स्केपुला से और शोल्डर से, तो हमारे फेफड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है. पर जब हमारे को चेस्ट पेन है तो इस पेन की वजह से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या दबाव की वजह से फेफड़े कम फूल पाते हैं. तो हमें क्या एक्सरसाइज करनी है मैं आपको बताता हूँ. आपको सिंपली अपने हाथों को कुछ इस तरीके से सामने लेके से आके ऊपर लेके जाना है और लंबा सांस लेना है जब ऊपर लेके जाएंगे, और जब नीचे लेके आएंगे तो छोड़ देना है. कैसे? मुँह से छोड़ना है, नाक से लेना है.
अगर आप नाक बंद है तो मुंह से लेके मुंह से भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबा श्वास लेना है, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज दोहरानी है, ओके। पर इस एक्सरसाइज को आप साइड से भी करें, ऐसे जब सामने से करेंगे तो 5 बार सामने से करें और 5 बार साइड से करें। देखिएगा, ये एक्सरसाइज आपके छाती के मूवमेंट को बढ़ाएगा और साथ में ही आपकी श्वास की कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा। अभी हम देखेंगे हमारी तीसरे नंबर की एक्सरसाइज। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज जो है चेस्ट एक्सपांशन जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से करेंगे, आपको सिंपली अपने दोनों हाथ इस जगह प्लेस करना है। देखिएगा, बॉर्डर ऑफ द रिब्स, पीछे की तरफ की जो बॉर्डर है वहाँ पर प्लेस करना है इस जगह पर। देखिएगा, इस जगह पर यहाँ प्लेस किया और धीरे से प्रेस करें चेस्ट रिब्स को और लंबा श्वास लें नाक से या मुंह से, एज योर चॉइस। देखिएगा, अब छोड़ते वक्त आपको हल्का सा जेंटली अपने रिब्स को प्रेस करना है और प्रेस करने के साथ ही वहां पे अपने हाथों को स्टेबल कर देना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज दोहरानी है और चेस्ट को हर एक ब्रीथिंग के साथ थोड़ा थोड़ा क्रम्प्रेस करें और 5 बार ये एक्सरसाइज करें। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथे नंबर की एक्सरसाइज जो आपको करनी चाहिए। चौथे नंबर की एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से आपको थेराबैंड ले लेना है। अभी देखिएगा, इस तरीके से आपको थेराबैंड पकड़ना है, खींचना है और सिंपली पीछे की तरफ रोटेट कराना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इस तरीके से ये रोटेशन एक्सरसाइज आपको दोहरानी है। इसको करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप हाथ को पीछे लेके जाएंगे तो आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ना है। देखिएगा, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। हाथ ऊपर लेके गए, अभी इनको अंदर की तरफ मोड़िए, ऐसे अंदर की तरफ। एक, वापस सीधा कर दीजिए। अभी देखिएगा, अंदर की तरफ। दो, वापस सीधा। इस तरीके से आपको प्रॉपरली 10-10 रोटेशन करने हैं और 2 सेट करने हैं। ये सब एक्सरसाइज आपको चेस्ट पेन में काफ़ी फ़ायदा देगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।